रूस यूक्रेन युद्ध के कारण ईंधन की बढ़ती कीमतों व खाद्यान्न में कमी के कारण पैदा हो रहे खाद्य संकट के बीच भारत ने अपने सरप्लस अनाज से मदद की पेशकश की है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने WTO की एक अधिकारी के सामने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा है कि भारत जैसे कृषि प्रधान देशों को अनाज निर्यात करने में WTO के साथ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वित्त मंत्री की इस चिंता पर प्रतिक्रिया देते हुए WTO की महानिदेशक ने विश्वास दिलाया है कि संगठन इस मामले को देख रहा है और जल्दी ही इसे सुलझा लिया जाएगा। अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत संधु ने कहा है कि US ने अनाज को लेकर भारत से मदद मांगी है। वित्त मंत्री ने डिजिटल क्षेत्र में भारत की प्रगति को लेकर कहा है, अब लोगों को समझ में आ रहा है कि देश जितना डिजिटल संपन्न होगा उसके लिए वित्तीय समावेशन और लोगों तक सेवाएं पहुंचाना उतना ही आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत ने जो पिछले कुछ समय में डिजिटल क्षेत्र में उन्नति की है और उसके कारण महामारी के दौरान देश ने जो लाभ उठाया है उसको मान्यता मिल रही है। उन्होंने कहा कि कई देश इस बारे में जानने के लिए भारत आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।